दोस्तों अभी आप यहाँ पर देखो, मेरे पास एक पेन ड्राइव है यहाँ पर। ये कोई भी पेन ड्राइव हो सकती है, आपके पास कितनी जीबी की हो सकती है उससे कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड करेगा आपका कितना डेटा है। तो हमारे पास यहाँ 64 जीबी की एक पेन ड्राइव है और उसमें मैंने मल्टीपल ऐप्स को इंस्टॉल किया हुआ है और ये इतना बढ़िया काम करता है एप्लीकेशन। आप कोई भी पोर्टेबल एप्लीकेशन को पेन ड्राइव के अंदर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी भी सिस्टम में ले जाके आप चलाइए, वो बिल्कुल बढ़िया काम करेगा। तो चलता फिरता आपके लिए पूरा एक तरीके से एक डेटाबेस बन जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको मैं पहले ये दिखाया हूँ, देखो वर्किंग कितना बढ़िया कर रहा है। यहाँ पर मैं क्रोम यहाँ पर चलाया हुआ है, ये डायरेक्ट पोर्टेबल एप्लीकेशन पर है। अब यहाँ पर देखो ये कैसे काम करता है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर इसका एक ऑटो रन बन जाता है, इस पर स्टार्ट डॉट ई एक्सी पे हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल्ड है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये काम करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं, एक तो एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आ गया, एजुकेशन आ गया, गेम्स आ गया, इंटरनेट आ गया, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने इंटरनेट से रिलेटेड अगर कोई काम करना है तो जो भी इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं वो सारे के सारे यहाँ पर भी शो कर देंगे। बाकी गेम्स ये यहाँ पर अलग शो करेगा, एजुकेशन का अलग ऑप्शन आएगा। मैंने अलग अलग चीज़ों को इंस्टॉल किया हुआ है, एक टाइपिंग से रिलेटेड एजुकेशन के अलग हैं, गेम्स के अलग हैं, इंटरनेट के अलग हैं। तो यहाँ पर सारे अलग अलग ये पे इंस्टॉल किए हुए हैं। तो इंटरनेट और फाइल जिला हमने किया हुआ है, फायरफॉक्स है, हम चाहें तो यहीं पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शंस आए थे जहाँ पर हम पोर्टेबल ऐप्स जो इजीली हमारे पास यहाँ पर एक पूरा फोल्डर बन के आता है वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो पोर्टेबल ऐप्स का एक ऑप्शन आ रहा है, पोर्टेबल ऐप्स के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ हमारे पास पूरा का पूरा ऑप्शन आ जाएगा जितने भी हमने सॉफ्टवेयर वगैरह इसमें इंस्टॉल किए हैं। अब यहाँ पर जो भी हमें यूज़ करना है एप्लीकेशन उस पर चाहें तो हम डायरेक्टली यहाँ पर जा सकते हैं। ये देखो यहाँ पर ये इसका पोर्टेबल डॉट ई एक्सी बन के आ चुका है, हर एक एप्लीकेशन का पोर्टेबल डॉट ई एक्सी बन जाएगा। तो ये बहुत बड़े एक एप्लीकेशन इसमें है। इसमें बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि आप पेन ड्राइव को इजीली आप लेके जाओ, किसी भी सिस्टम में लगा लो, उसमें आपको कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बस पेन ड्राइव की जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप 3.0 वाली, आप आजकल जो आ रही है जो फास्ट वाली स्पीड वाली होती है उसमें ले जा के रखो। तो ये बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रोफेशनल जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, और बाकी ऐसे ही जो नेटवर्क टेस्टिंग वगैरह करते रहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। तो चलिए अब मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे कैसे हम पूरा प्रोसेस करेंगे और डिटेल में बताता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपको अपग्रेड करना है, हम न्यू इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखो अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। पहला तो ऑप्शन आएगा पोर्टेबल इंस्टॉल अ पोर्टेबल डिवाइस, एक पेन ड्राइव के अंदर आप कर सकते हैं, क्लाउड में आप करा सकते हो, गूगल ड्राइव वगैरह पे, लोकल सिस्टम पे आप कर सकते हो, कहीं पर भी जहाँ पर आपको यूज़ करना है। जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इसके पोर्टेबल भी होते हैं, तो आप लोकल उस पर कर दो, उसे शेयर कर दो कहीं पर जिसको भी आपको करना है, तो ये भी ऑप्शंस हैं। तो हम पेन ड्राइव में कर लेते हैं, हमारे पास पेन ड्राइव पड़ी हुई है, अभी नेक्स्ट कर लेंगे। अब पेन ड्राइव का जो लेटर है वो क्या है तो वो हम पहले चेक कर लेते हैं एक बार। हमने यहाँ पे पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया हुआ है पूरा कंप्लीट, ये हमारी पेन ड्राइव है के, और ये यहाँ पर के शो कर रहा है तो के हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर देंगे और इंस्टॉल पे हम क्लिक करेंगे। अब पहले तो ये क्या करेगा, पहले तो इस पेन ड्राइव के अंदर भी एक स्टार्टअप वाला फंडा बना देगा, जिसमें क्या होगा कि हमारे पास एक ऐसा एप्लीकेशन तैयार होगा जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दिखाया था, जिससे आप स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे वो सारा एप्लीकेशन अपने आप एनालाइज करेगा। तो चलो अब फटाफट से पहले इसे इंस्टॉल हो जाने देते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो पोर्टेबल ऐप्स है वो इंस्टॉल हो चुका है, रन कर लेते हैं, फिनिश कर देंगे, रन स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनवायरनमेंट आ जाएगा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था।
तो यहाँ पर पहले आप इसको क्लोज़ कर देंगे, क्लोज़ करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा, तो जो भी एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल्ड होंगी वो यहाँ पर इशू हो जाएंगे। आप चाहो तो वहाँ से ओपन कर लो या फिर ड्राइव के अंदर ऊपर जाके वहाँ से आप कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी दिखाया आपको। अभी आगे देखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगाया गया ऐप डायरेक्टरी वगैरह को चेक करने के लिए, और फिर एक पूरा ऑप्शन हमारे पास ओपन कर देगा। तो अभी इसे स्टार्ट होने देते हैं, देन हम चेक करते हैं। तो अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर देखो बहुत अलग अलग ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं। एक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आ चुका है, डेवलपमेंट का अलग ऑप्शन है, एजुकेशन में अलग ऑप्शन हैं, गेम्स में अलग हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं। ग्राफिक्स और पिक्चर्स के अलग है, जैसे ब्लेंडर वगैरह जैसे काफ़ी बढ़िया जो टूल्स हैं हमें वो यहाँ पर हमें देखने के लिए जाते हैं, वो भी पोर्टेबल में। ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, तो हम इसमें से कोई भी जिसका भी हम चाहें उसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर हम सबसे पहले मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे वर्चुअल मैग्नीफाइंग ग्लास की रिक्वायरमेंट है, तो उसको कर लेते हैं। और देख लेते हैं हम हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे ज़ैम्प सर्वर अगर आपको यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आप ज़ैम्प को भी यहाँ से इजीली आप पोर्टेबली आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप एजुकेशन में हमें अभी फ़िलहाल इनमें से किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है। गेम्स में अभी नहीं करूँगा डाउनलोड, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा। ये ऑनलाइन डाउनलोड करता है तो इसमें टाइम लगेगा, तो अभी प्रैक्टिकली के लिए हम बहुत छोटे से सॉफ्टवेयर वगैरह चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारे पास ये अलग अलग ऑप्शंस आ गए हैं, तो इंटरनेट के लिए हम यहाँ से जो भी टूल वगैरह हमारे रिक्वायरमेंट के हैं उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक दोस्तों सॉफ्टवेयर वगैरह सारे हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास एक नीचे आइकन आ जाता है। तो यहाँ पर देखो हमने दो टाइप के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था, एक तो एक्सेसिबिलिटी और इंटरनेट का वर्चुअल मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आप यहाँ पर हम जब क्लिक कर देंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, जो भी मोड आपको यूज़ करना है वो करेंगे, और देन यहाँ से आप देखो यहाँ पर हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। तो एक तो हो गया हमारा ये सॉफ्टवेयर, दूसरा हमने फाइल सिलेक्ट किया था, फाइल सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे, ये पोर्टेबल हमारे सॉफ्टवेयर हैं अब जो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इसे यूज़ करने का तरीका तो मैं आपको बता देता हूँ। पेन ड्राइव के अंदर ही एक start.exe का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये देखो फाइल सिलेक्ट बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो पहले आप देख लेते हैं क्या है इसका कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास start.exe आया है। अगर आपके पास कोई दूसरे सिस्टम में आप लगाते हैं और इस टाइप से ऑप्शन नहीं आता है, तो आप इसे क्लिक कर देंगे, इसे क्लिक करते ही वो सेम ऑप्शन यहाँ पर नीचे हाईलाइट हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप बड़े आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा इसमें एक और तरीका है, आप चाहो तो इसमें पोर्टेबल ऐप्स पर डायरेक्ट चला सकते हो। जैसे फाइलजिला का फोल्डर आ गया, फाइलजिला के फोल्डर में जाके setup.exe यहाँ पर बन गया है इसका एक अपना। दूसरा हमने वर्चुअल मैग्नीफाइंग ग्लास का किया था, तो इसका भी एक .exe फाइल हमारी बन चुकी है। तो आप डायरेक्टली चाहो तो फोल्डर के अंदर चले जाओ, या फिर आप start.exe पे जाके क्लिक कर दो, वहाँ पर इस तरीके का आइकन नीचे बन के आ जाएगा, तो वहाँ पर आपको उसका भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये किसी भी सिस्टम में आप लगा के चला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया तरीके से सॉफ्टवेयर इसमें काम करते हैं, तो इसको आप अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी बताना कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर एंड बाय।